दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेल एडवेंचर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपने काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि भागलपुर में जो न्यू एंट्रेंस बनाया जा रहा है वो कहाँ बन रहा है, क्या प्रोग्रेस है, तो वही दिखाने के लिए मैं आज आया हूँ, के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो दोस्तों मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, आप देख सकते हैं पीछे ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन का ये जो OHE वैन आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भागलपुर से लेकर मंदारिल होते हुए दुमका के बीच में और भागलपुर से दुमका के बीच में चल रहा है। तो ये काम अभी लगातार चल रहा है, पोल्स वगैरह में हुक्स लगा दिए गए हैं, वायरिंग बाकी है, इसका काम स्टार्ट किया जाने वाला है। और आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 में इस पार्ट पे अभी तक फेंसिंग नहीं की गई थी, इस पार्ट की भी फेंसिंग अभी स्टार्ट हो गई है। ये फेंसिंग आपको दिखा पाऊंगा, पूरे वहाँ तक आगे तक फेंसिंग कर दी गई है और आगे वहाँ लिफ्ट के पास के बगल से सामने एंट्रेंस है। तो चलिए वहाँ चल के आपको वहाँ आगे एंट्रेंस का अपडेट देते हैं। आप देख सकते हैं आइसोलेशन कोच सारे खड़े हैं यहाँ पे, और ये जो नया फुट ओवर ब्रिज तैयार हुआ था वो आप ये देख पा रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई की सुविधा है इस प्लेटफॉर्म में, दोनों आप देख सकते हैं राउटर्स यहाँ पे। साथ में आगे आपको ले जाना चाहूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे गेट भी लग चुका है और ये बिल्कुल तैयार है। बस इंतज़ार किया जा रहा है कि जो अगले प्लेटफॉर्म नंबर जो 5 पे भी 4 और 5 पे काम चल रहा है वो कब तैयार हो जाता है, तो इसका एक साथ इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार स्टेट में गेट बस ओपन रखा गया है और सब कुछ सेंसर वगैरह सब कुछ लग गए हैं। फ्लोरिंग जहाँ तक कहूँ तो फ्लोरिंग में मार्बल लगा दिया गया है, तो हर तरीके से पूरा तैयार है। साथ में इसके प्रोटेक्शन के लिए साइड में जो होती है फ्लोरिंग वगैरह सपोर्ट के लिए वो सब तैयार कर दिया गया है। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है। और इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, यही वो होने वाला है एंट्रेंस, जो भागलपुर का सेकेंड एंट्रेंस के बारे में जो लगातार एक सस्पेंस बना हुआ यही होगा। बिल्कुल सीधा वो जो देख पा रहे हैं अंतिम में चदरा, वहाँ पे गेट नुमा भी बनाया जाएगा जो भी होना बाकी है। ये पार्किंग एरिया होने वाला है ये जो आप देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर है, ट्रीज वगैरह के बीच में बहुत सुंदर लगेगा। बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड के जैसा, पर यहाँ पे फिर भी एक तरीके से जो मिर्जान हाट के लोग हैं, अलीगंज के लोग हैं, बांका से जो लोग आते हैं उनको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, और दूसरी जगह से भी दुमका दूर से जो आते हैं वो बस उतर के डायरेक्टली साइड से उनको पार करने। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियरली मैं वो लिफ्ट का पूरा स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ, बाहर से उसको ब्लू प्लास्टिक से उसको ढका गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यह पूरा सीढ़ी नुमा भी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको ढाल दिया गया है ज़मीन को प्रॉपर्ली बहुत अच्छे तरीके से, कि लोगों को परेशान, पहले ये बिल्कुल मिट्टी था और यहाँ पे पुराना क्वार्टर्स था, वो क्वार्टर्स को ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद अभी भी कुछ पेंडिंग काम वगैरह हैं जिसको बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। और इस तरफ जो आप देख पा रहे हैं वो सर्कुलेटिंग एरिया है और बुकिंग काउंटर्स इसी में बनेंगे। बुकिंग काउंटर्स आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और उस साइड के बुकिंग काउंटर्स, आप 2 बुकिंग काउंटर्स देख सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ बुकिंग काउंटर्स के साइड, और मैं आपको, अभी ये चालू नहीं हुआ है, लगभग 1 से 2 महीने का समय और लग सकता है, इसके बाद ये पूरे तरीके से चालू हो जाएगा और उसके बाद लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। ये चारों तरफ से आप देख रहे हैं ग्रीन ट्री, इधर भी गाछ, लंबे लंबे गाछ हैं बिल्कुल भी, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये रोड बहुत ईजिली कनेक्टेड है, जो मेन रोड है आप कह सकते हैं, जो दुमका का जो स्टेट हाईवे है भागलपुर का, जो ब्रिज क्रॉस करती है, देख सकते हैं आप स्टेशन, ये काउंटर होने वाला बुकिंग काउंटर, शटर्स भी लगा दिए गए हैं और मार्बल वगैरह लगा दिए गए हैं, सब कुछ देख सकते हैं नीचे मार्बल वगैरह सब लगा दिए गए, गेट वगैरह। बस DRM मालदा जब आएंगे तो एक साथ ये स्टेशन, जो टिकट काउंटर्स है, लिफ्ट है, ये सब चीज़ का इनॉग्रेशन होगा। यहाँ सेट्स वगैरह भी बनेंगे, तो आप देख सकते हैं सेट्स के लिए भी ये पिलर लगाने का काम चल रहा है, वहाँ भी एक पिलर है सामने में, तो ये दोनों पिलर के बाद सेट बनेगा। अब थोड़ा मैं आपको दिखा पाऊँगा, ये आप देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज है और लिफ्ट है, ये दोनों बिल्कुल, ये वाले स्टेशन जो अपना सेकेंड एंट्रेंस होने वाला है बिल्कुल इसके सामने पड़ेगा। तो लोग जब आएंगे इस वाले एंट्रेंस से, इंटर करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 6 के साइड से, उनको अगर प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 2, 3 या 1 में जाना हो तो बिल्कुल लिफ्ट के सहारे से तुरंत ऊपर जा सकते हैं सामान लेके, बिल्कुल उनमें समय बर्बादी नहीं होगी। या जिनको सीढ़ी से चढ़कर जाना है सीढ़ी से चढ़कर भी जा सकते हैं, तो कहीं से उनको कोई परेशानी नहीं मिलने वाली है, बहुत बड़ा ये सुविधा होने वाला है। अब मैं आपको, ये काउंटर्स तो मैंने आपको दिखा ही दिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल पास से ये काउंटर्स को, 2 इधर हैं
और दो आपको यहाँ आगे मिलेंगे, तो ये कुल चार हैं। अब मैं थोड़ा आपको रोड के साइड ले जाना चाहूँगा और वहाँ आपको दिखाना चाहूँगा। बाकी आपको सुंदरता मैंने दिखा दी, आप चारों तरफ यहाँ पे ट्रीज देख सकते हैं, तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा। और रिमेनिंग काम आपको जैसे मैंने कहा 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं चदरा लगा हुआ है, यहीं पे गेट लगने वाला है और ये भागलपुर का सेकेंड इंट्रेंस गेट यही होगा। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं दोनों साइड से पिलर, इस साइड से भी पिलर लगाए जा रहे हैं, उस साइड से भी पिलर का काम किया जा रहा है। बहुत जल्दी इस काम को 1 से 2 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसके बाद फिर यहाँ पे गेट बन जाएगा और लोग आराम से स्टेशन की ओर यहाँ पे आ पाएंगे, जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 के साइड होगा। और ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये पूरा पार्किंग होगा। माँ की इधर नाले वगैरह का भी आपको काम दिखा सकता हूँ। सीमेंटिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, कहीं थोड़ा बहुत वहाँ आगे पेंडिंग है कॉर्नर पर, उसको भी करा लिया जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ कैसे ये रोड से कनेक्टेड है। स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस था, जो चदरा अभी लगा हुआ है, यहाँ पे गेट लगेगा। इसके बाद ये रोड आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये चौड़ा रोड है, इससे आप सीधा मेन रोड की ओर जा सकते हैं। मैं मेन रोड तक चल के जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना इजीली ये मेन रोड से कनेक्टेड है, तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। देख सकते हैं लगातार चौड़ाई, तो रोड की चौड़ाई होने से क्या होगा कि जाम की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत इजीली बिना जाम को नेगोशिएट किए, क्योंकि पुल पे लगातार जाम लगा हुआ होता है। आप मेरे पीछे लगातार देख सकते हैं, थोड़ी ही दूर का अंतर है स्टेशन बिल्डिंग से लेकर मेन रोड। मैं लगभग मेन रोड के पास आ चुका हूँ, मेन रोड बिल्कुल सामने आ चुका है मेरे। यहाँ छोटे मोटे चाय के दुकान है, ज़्यादा दुकान वगैरह है नहीं। अगर आपको कुछ लेना होगा अंतिम समय के लिए, वो बाद में दुकान ज़रूर बनेंगे यहाँ पे जब स्टेशन बिल्डिंग तैयार हो जाएगा, पर फिलहाल ज़्यादा दुकान नहीं है। और आप जैसे देख सकते हैं कि हम लगभग मेन रोड की ओर अब पहुँच गए। मेरे पीछे आप मेन रोड देख सकते हो, मेन रोड है और आप बिल्कुल कितना एक मिनट मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस है, 300 से 400 मीटर मैक्सिमम होगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल भैया पुल की तरफ जाती है, बस भैया पुल की ओर जाती है। और इस तरफ जो अपोजिट है ये अलीगंज का साइड है, मेरे पीछे अलीगंज का साइड है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से 2 टर्न है, आपको मिसगाइड नहीं होना है, सीधा जाके बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाना है, सीधा जाके आपको ऐसे ये वाले रास्ते में घूम जाना है और मुश्किल से 300 मीटर पर आपको स्टेशन आ जाएगा।